मूवी की स्टार्टिंग में हमें मायरा को दिखाया जाता है। मायरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर होती है, लेकिन उसका सपना होता है कि वह अपनी फिल्म खुद की फिल्म डायरेक्ट कर सके। मायरा के पिता एक स्पोर्ट बॉय का काम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी कुछ अच्छा काम करे जो वो नहीं कर सके। इसलिए मायरा अपनी खुद की फिल्म बनाने की सोच लेती है और इसके लिए वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देती है। उसकी स्क्रिप्ट एक गैंगस्टर के बारे में होती है, बागवा का बच्चन पांडे। बच्चन पांडे बहुत ही खतरनाक और एक सटका हुआ गुंडा होता है। मायरा के सारे दोस्त उसे मना करते हैं कि वह उसके ऊपर फिल्म नहीं बनाए और किसी दूसरे टॉपिक को चूज कर ले, लेकिन मायरा किसी की नहीं सुनती और सोच लेती है उसी के ऊपर फिल्म बनाने की। बच्चन पांडे ने एक पत्रकार को बस इसलिए मार दिया होता है क्योंकि उसने अखबार में उसकी फोटो की जगह उसके कार्टून बनाई होती है और वो उस पत्रकार को जिंदा जला के मार डालता है। जैसे ही मायरा बागवा पहुंच अपनी हेल्प के लिए वहीं से अपने एक दोस्त विशु को बुला लेती है जो वहीं का रहने वाला होता है, और दोनों वहां एक सरकारी स्कूल के कमरे में रुकते हैं। लेकिन विशु भी उसे मना करता है कि वह बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म ना बनाए, लेकिन मायरा नहीं मानती और वह विशु को मना लेती है उसकी हेल्प करने के लिए। दोनों गांव में घूम घूम के बच्चन पांडे के बारे में लोगों से पूछते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई कुछ नहीं बताता क्योंकि सारे लोग बच्चन पांडे से डरते होते हैं। लेकिन वो दोनों खुद ही बच्चन पांडे के आसपास रह के उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे और कितने लोगों का मर्डर करता है और उसकी गैंग में कौन कौन से लोग हैं। एक बार जब वो दोनों एक ढाबे पे बैठे होते हैं तब वहां पर बच्चन पांडे आ जाता है। तब मायरा बच्चन पांडे से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चन पांडे उसका गला पकड़ लेता है। वो समझ जाती है कि उससे डायरेक्ट बात करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो दोनों बच्चन पांडे की गैंग के लोगों से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक बार बच्चन पांडे का एक खास आदमी पेंडुलम एक पुलिस वालों की बहन से प्यार करता होता है, लेकिन लड़की के पुलिस वाले भाई उसकी शादी जबरन किसी दूसरे पुलिस वाले के साथ कर रहे होते हैं। कभी शादी में बच्चन पांडे आ जाता है और उसको देख के लड़की में हिम्मत आ जाती है और उन सब के सामने उस पेंडुलम से शादी कर लेती है। इसलिए मायरा और विशु सबसे पहले पेंडुलम से जानने की करते हैं बच्चन पांडे के बारे में, लेकिन पेंडुलम बहुत ही गुस्से वाला आदमी होता है और उनसे उसका काम नहीं बनता। फिर वो पकड़ते हैं बफरिया चाचा को, लेकिन वह तोतला होता है और एक वर्ड को बोलने में बहुत टाइम लगा देता है, जिससे वो दोनों परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। थर्ड नंबर पे वो पकड़ते हैं कांदी को। कांदी की एक कमजोरी होती है कि उसे बी ग्रेड पॉर्न मूवीज देखने की आदत होती है और वे दोनों उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। विशु उसे तरह तरह की पॉर्न मूवीज की सीडी देता है और थोड़ा थोड़ा बच्चन पांडे के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एक बार एक सीडी गलती से कांदी के घर पहुंच जाती है और उसे उसकी फैमिली देख लेती है, जिससे उसकी फैमिली उससे नाराज हो जाती है और फाइनली यहां पर भी दोनों का काम खराब हो जाता है। एक बार बाथरूम के अंदर बच्चन पांडे को मारने की कोशिश होती है, लेकिन गलती से बच्चन पांडे की जगह दूसरा आदमी मारा जाता है और उस मारने वाले को बच्चन पांडे के लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी बच्चन पांडे को पता चलता है कि आपको मारने की साजिश किसी बाहर वाले की नहीं बल्कि आपके गैंग में से ही किसी एक की है। एक बार बच्चन पांडे की गैंग का एक आदमी वर्जिन स्कूल आ जाता है उन दोनों के बारे में कुछ जानने के लिए, लेकिन तभी मायरा उसकी कुछ फोटो खींच के उसे इम्प्रेस कर लेती है और फोटो देने के बहाने उसके फोन में एक माइक्रोफोन डाल देती है, जिससे कि 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर सब कुछ वो सुन सके। एक बार बच्चन पांडे अपने एक बड़े दुश्मन को मारने का प्लान बनाता है और तब तक पेंडुलम वर्जिन से कहता है कि तुम जाओ गाड़ी में पेट्रोल भरा के लाओ, लेकिन रास्ते में वर्जिन बच्चन पांडे के दुश्मन को फोन करके सब बता देता है कि वो तुम्हें मारने आ रहे और तुम वहां से भाग जाओ। जैसे ही बच्चन पांडे और उसकी गैंग उसके दुश्मन के घर पे पहुंचते हैं, वहां पर कोई नहीं होता और वो सब मिलकर वर्जिन के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये उसके दुश्मन को पकड़ने का प्लान नहीं होता बल्कि वर्जिन को पकड़ने का प्लान होता है, क्योंकि वर्जिन ही बच्चन पांडे की गैंग के अंदर से गद्दार होता है। और तभी वो बच्चन पांडे के दुश्मन को भी पकड़ लेते हैं और वर्जिन और उस दुश्मन को दोनों को वहीं पर मार डालते हैं। लेकिन तभी वर्जिन के फोन के माइक्रोफोन के बारे में बच्चन पांडे को पता चल जाता है, जिससे विशु और मायरा दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर बच्चन पांडे आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन वो दोनों बच्चन पांडे को बताते हैं कि हम पुलिस वाले नहीं है, हम फिल्म वाले हैं, हम आपके बारे में पता लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन तभी बच्चन पांडे इस बात के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों कुछ दिन बच्चन पांडे की गैंग के साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बच्चन पांडे की गैंग के साथ रह के पता लगाते हैं कैसे वो लोगों को मारते हैं, कहां से पैसा लूटते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन तभी विशु को पता चलता है कि मायरा की स्क्रिप्ट में विशु
विशु का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मायरा ने विशु से प्रॉमिस किया होता है कि मैं अपनी फिल्म में तुझे भी एक मेन रोल दूंगी। जब वो एक शाम को बैठ के बच्चन पांडे की मूवी के हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी विशु ये बात बोलता है कि बच्चन पांडे का किरदार सिर्फ बच्चन पांडे ही कर सकता है और उससे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चन पांडे ही उसके खुद के बारे में सबसे अच्छा जानता है। यह बात बच्चन पांडे को अच्छी लगती है और बच्चन पांडे कहता है कि अगर फिल्म बनेगी तो उसका रोल मैं ही करूंगा। लेकिन फाइनली विशु और मायरा दोनों वहां से भागने वाले होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि अब ये फिल्म नहीं बनने वाली। लेकिन तभी पेंडुलम वहां पर आ जाता है, लेकिन वो उन्हें वहां से ले जाने के बजाय बस बच्चन पांडे के बारे में बताने आता है कि बच्चन पांडे कैसे बच्चन पांडे बना। पेंडुलम कहता है कि बच्चन पांडे हमारे मालिक के लिए कुछ छोटे मोटे काम करते थे पहले, लेकिन एक बार एक पत्रकार को किडनैप करने के लिए बच्चन पांडे को राजस्थान भेजा था हमारे मालिक ने। तभी राजस्थान में एक मेले में बच्चन पांडे को एक फॉरेन लड़की सोफी दिखाई देती है, लेकिन बच्चन पांडे को सोफी की मासूमियत और उसकी खूबसूरती से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करने को सोच लेता है और वो अपने मालिक को कहता है कि आज से वो सारे गलत काम छोड़ देगा। जैसे ही बच्चन पांडे सोफी से मिलने जाता है, तब कुछ लोग बच्चन पांडे और सोफी के ऊपर हमला कर देते हैं और बच्चन पांडे की आंख में चाकू मार देते हैं, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। तभी बच्चन पांडे की एक आंख पत्थर की होती है और वो लोग सोफी को मार डालते हैं, जिससे बच्चन पांडे गुस्से में आके उन सब लोगों को वहीं पर मार डालता है। इस घटना से बच्चन पांडे का दिल टूट गया होता है और इसके बाद वह एक राक्षस टाइप का आदमी बन गया होता है। इसके दिल में कोई दया और प्यार नहीं बचता है। लेकिन फाइनली मायरा और विशु भी वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी वे दोनों बच्चन पांडे और उसकी गैंग को एक्टिंग सिखाने के लिए गुजरात से एक टीचर भावेश भोपलो को बुलाते हैं और फाइनली मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। शूटिंग के दौरान बच्चन पांडे और मायरा के बीच में नजदीकियां भी बढ़ जाती है, लेकिन तभी बच्चन पांडे को पता चलता है कि उसके मालिक को होश आ गया, कि मालिक इतने सालों से कोमा में चला गया था। जैसे ही बच्चन पांडे मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुम्हें किसी को नहीं मारने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खुद मारना चाहता था, क्योंकि तुमने ही मेरी सोफी को मरवाया था, और वो ये कहते ही अपने मालिक का गला दबा के मार डालता है। फाइनली बच्चन पांडे की मूवी रिलीज होती है थिएटर में, लेकिन जैसे ही बच्चन पांडे उस मूवी को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह एक कॉमेडी मूवी होती है और उसमें बच्चन पांडे का करेक्टर एक कॉमेडियन का होता है। लेकिन बच्चन पांडे को लगा था कि उसे एक फिल्म में एक डेंजरस गुंडा दिखाया जाएगा और लोगों में उसका डर और बढ़ जाएगा, लेकिन यह फिल्म हिट हो जाती है। मायरा और उसके पिता को लोगों का प्यार और रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन बच्चन पांडे मायरा और विशु दोनों को मारने की सोच लेता है और उसके आदमी उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन फाइनली बच्चन पांडे उन दोनों को ढूंढ लेता है। लेकिन बच्चन पांडे मायरा को मारने की बजाय उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार लोगों का प्यार मिला और तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझसे इतने सालों बाद बात की, इसलिए तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है। और इसके बाद बच्चन पांडे ये सारे गलत काम करना छोड़ देता है और फिल्मों में काम करने लगता है और आगे चल के उसे बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड भी मिलता है।